A very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start the next part of the chapter, the rat trap. पिछले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि रेड ट्रैप सेलर अपने लालच की वजह से एक मुसीबत के अंदर पड़ गया और जिस फिलॉसफी को वो फॉलो करता था कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और लोग इसके अंदर किसी न किसी वजह से किसी न किसी कारण से फंस जाते हैं, तो चोरी करना एक वजह बन गया जिसकी वजह से उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था। अब जंगल में फंस जाने की वजह से उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो अपनी खूब कोशिशें करता है लेकिन जंगल से बाहर आ नहीं पाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी स्थिति में वो क्या करता है। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his hand on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. अब क्या होता है, ये दिसंबर का महीना था और दिसंबर में लगभग आखिरी का जो दिन थे वो चल रहे थे। डार्कनेस हर जगह फॉरेस्ट में छा चुकी थी और जो डेंजर था वो भी इस चीज़ के साथ बढ़ रहा था और साथ ही बढ़ रहा था उसका जो दुख और उसकी जो निराशा थी। फाइनली वो क्या देखता है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, तो वो धीमे धीमे ग्राउंड पर सिंक होने लगता है, धीमे धीमे ग्राउंड पर गिरने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो थक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ये चीज़ सोच रहा था कि मेरा आखिरी समय आ चुका है, तभी जैसे उसने अपना जो सर था ज़मीन पर रखा, उसने एक साउंड की आवाज़ सुनी और ये हार्ड रेगुलर थंपिंग थी। और ये जो थंपिंग थी, ये इसमें कोई डाउट नहीं था कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। उसने अपने आप को उठाया और उसने अपने मन में सोचा कि ये हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ है जो आयरन मिल से आ रही है, इसका मतलब आसपास लोग होने चाहिए। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ उस साउंड की डायरेक्शन में चल दिया। द राम्स जोज आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नोट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। अब क्या होता था कि ये जो जगह थी राम जो आयरन वर्क्स थी, जो कि लगभग बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी थी और ये एक बड़ा लार्ज प्लांट हुआ करता था, मतलब बहुत पहले एक लार्ज प्लांट हुआ करता था जहाँ पर के मिल के अंदर बहुत सारा एक भट्टी थी और यहाँ पर लोहे से जुड़ा हुआ काम हुआ करता था। समर टाइम में क्या होता था, जो हैवली लोडेड बार्जेस थे और स्काउस थे वो यहाँ कैनल के अंदर, नहर के अंदर उनको छोड़ा जाता था और उसके बाद उसको जो एक लेक था वहाँ उसको ले जाया जाता था। और विंटर टाइम में जो रोड्स थी उसके आसपास की जो मिल थी वो काली हो जाती थी कोल के डस्ट से, जिसको बाद में क्या किया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था बिग चारकोल क्रेट्स के द्वारा। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। अब क्या हुआ कि ये जो लॉन्ग डार्क इवनिंग्स थी क्रिसमस से पहले, यानी कि दिसंबर की बात चल रही है तो लेट दिसंबर की बात है, तो क्रिसमस के आसपास की बात है, तो जो वहाँ पर मास्टर स्मिथ था यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर जो लोहार था और उसका जो चेला था हेल्पर, वो दोनों के दोनों पिग आयरन के लिए बैठे हुए थे। पिग आयरन मतलब कि कच्चे लोहे के लिए बैठे हुए थे जिसको उन्होंने फोर्ज के अंदर भट्टी के अंदर तपने के लिए छोड़ दिया था। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो तैयार हो जाएगा तो उसको एनविल यानी कि जो एक लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर कि रख करके लोहे को पीटा जाता है, उसका वो
इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये तैयार हो और कब इसको हम फिर शेप में डालने के लिए इसको हैमरिंग करें। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब क्या करता था कि मिनट मिनट में वो उठ करके वहाँ जाता था, उसकी जो आँच थी उस आँच को वो एडजस्ट करता था और फिर पसीने छोड़ता हुआ वापस आ जाता था। हालांकि ये कस्टम था और कस्टम के हिसाब से क्या था कि उसने कुछ नहीं पहना था, केवल एक लंबी सी शर्ट और एक जो वुडन शूज का जो पेयर था वो उसने पहन रखा था। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, आउटसाइड रोड द वॉटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक्टिल रूफ। अब देखिए कैसा माहौल था कि उस समय और भी बहुत सारे साउंड थे जिनको सुना जा सकता था। भट्टी में क्या था कि कोयला डाला जाता था, तो कोयला जब अंदर डलता था तो जब आग की लपटें निकलती थी तो वो जो साउंड आता है कोयले से, वो साउंड लगातार आ रहा था। जो लड़का था फायर बॉय, यानी कि जिसका काम ये था कि फावड़े से उठा करके भट्टी के अंदर आग चलती रहे तो बार बार कोयला उठा करके ईंधन के रूप में उसके अंदर डालना है, तो वो लगातार उसके अंदर कोयला डाल रहा था और एक क्लैटर की आवाज़ आई थी, जो चट चट की जो आवाज़ आती है कोयला जलने के टाइम पर, वो चट चट की आवाज़ आ रही थी। और बाहर में वाटरफॉल दौड़ कर रहा था और जो शार्प नॉर्थ विंड थी वो रेन के अगेंस्ट बार बार विप्ड कर रही थी और जो उसके ब्रिक टाइल रूफ थी उनसे आवाज़ आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इन्हीं सब की वजह से, साउंड की वजह से, जो ब्लैकस्मिथ था वो उस अजनबी का वहाँ आना नोटिस नहीं कर सका और उसने जो गेट खोला था उसको नोटिस नहीं कर सका और वो आकर के फर्नेस के पास, भट्टी के पास बैठ गया। जब वो भट्टी के पास आकर के बैठ गया तो तब ब्लैक स्मिथ ने उसको नोटिस किया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, ही लुक्ड द वे People of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. अब क्या होता है कि ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए ये जगह सबसे suitable थी, क्योंकि बाहर का जो मौसम था वो बाहर का मौसम बड़ा खतरनाक था। बाहर हवाएं चल रही थी, बारिश पड़ रही थी और ठंड का मौसम था, तो भट्टी से अच्छी जगह और क्या हो सकती थी जहाँ कर वो बैठ करके अपने आप को थोड़ा सा आग में सीख सकता था, यानी कि आग की जो आँच थी, जो गर्मी थी, उससे अपने आप को थोड़ी राहत वो दे सकता था ऐसे माहौल में। अब जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ एक कैजुअल सा ग्लांस दिया, एक कैजुअल सा उसको लुक दिया और बड़े ही उदासीन तरीके से उसकी तरफ देखा। अब वो समझता था, वो समझ गया था कि ऐसे जो लोग थे, यानी कि जैसे लोग, जैसा व्यक्ति उसके सामने था, ऐसे व्यक्ति वो लगातार देखता रहता था जिनकी एक लंबी सी बेयर थी और कपड़े बड़े गंदे थे, फटे हुए थे और जिनके चेस्ट पर जो बंच थे रेड ट्रैप्स के वो लटके हुए थे, तो ऐसे लोग वो अपने आसपास देखता रहता था। इसलिए ब्लैक स्मिथ ने उसको एक कैजुअल सा और एक इनडिफरेंट सा लुक दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान उसको नहीं दिया, ज़्यादा उसकी तवज्जो उसने उसकी तरफ तवज्जो उसने नहीं दी। सो दिस वॉज द Third part of the story, the rat trap.